हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनफेस क्रीम के बारे में, जो कि इस क्रीम को कई समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसा साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एनफेस क्रीम जो कि नूकवाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है और इसकी प्राइस की बात करें तो 175 रुपीज है, जो कि 15 ग्राम पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये क्रीम आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोक्विनोन, टिटिनियोन एंड मोमेटासोन प्यूरेट। और यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोक्विनोन 2.0%, टिटिनियोन 0.025% और मोमेटासोन फॉरेट 0.10%। दोस्तों इस क्रीम को कैसे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि स्किन की प्रॉब्लम में यूज की जाती है और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया इसके, ठीक तरह से यूज किए जाए तब। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, स्किन को चिकना बनाता है, अगर आपके स्किन खुरदरी है तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर टू, स्किन में एलर्जी हो जैसे कि रेडनेस तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, डार्क सर्कल हो, काले काले धब्बे हो, छोटे छोटे दाने हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर फाइव, अगर चेहरे पर झाई हो तो झाई में भी यूज कर सकते हैं, झाई में भी काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया इसका। नंबर सिक्स, अगर दाने के निशान हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसको में भी काफी अच्छा रिजल्ट है। नंबर सेवन, अब बात आते हैं क्या इसको फेरेंस के लिए, गोरा होने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे गोरा होने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है ये। अगर आप गोरा होने के लिए यूज करेंगे तो जब तक आप इस क्रीम को लगातार यूज करते रहेंगे जब तक आपके चेहरे पर गोरापन बना रहेगा, और जब इस क्रीम का यूज करना बंद कर देंगे और इस क्रीम के स्टेरॉइड का असर खत्म होते ही आपका नॉर्मल स्किन बन जाएगा। तो इसको फेरेंस के लिए यूज ना करें क्योंकि ये कुछ ही दिनों के लिए ही गोरा बनाता है। तो इसलिए अगर ये आपको प्रॉब्लम हो दाग धब्बे की या झाई वगैरह की तो उसमें यूज कर सकते हैं, डार्क सर्कल हो, काले काले निशान हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, और इसको फेरेंस के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस क्रीम को। सबसे पहले आप पानी से मुंह धो लें, मुंह धोने के बाद टॉवल से पोंछने के बाद इफेक्टिव जगह पर थोड़े से क्रीम ले, हल्के हाथों से लगाना है, ये बात ध्यान रखें हल्के हाथों से लगाना है। और ये बात ध्यान रखें कि इस क्रीम को नाइट में रात में ही यूज करें, दिन में कभी भी यूज ना करें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह लगाना है, हल्के हाथों से लगाना है, ज्यादा लकड़े ना, और इफेक्टिव जगह पर लगाना है और रात में लगाना है, और यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। किसी केस में ये दिखे जैसे कि रेडनेस, जलन, इरिटेशन तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस क्रीम का यूज करना बंद कर दे और डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है दोस्तों। ये था आज का हमारा वीडियो एनफेस क्रीम के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।